दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो कॉल फॉरवर्डिंग फीचर्स है वो आज से बंद हो चुका है। मतलब बहुत सारे स्पैम कॉल और बहुत सारी चीज़ होती थी कि आपका कॉल को फॉरवर्ड किया जाता था, जिसकी वजह से आपका मैसेज वगैरह भी फॉरवर्ड हो जाता था और आपके साथ स्कैम होता था। तो ये सबको बचने के लिए डॉट ने ये कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से कॉल फॉरवर्ड फीचर जो है अब बैन हो चुका है। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन आपने कभी इस फीचर्स को यूज़ किया कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि वर्ल्ड का पहला कॉल किस डेट में और किसने किया था, पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहला कॉल किया था वाटसन जी को। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको यह चीज़ पता था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अरदा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। मॉर्निंग में कोई वीडियो नहीं डाल पाया, हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, जाए गए थे कोलकाता। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल कि आपको अपने फ़ोन में कैमरे फीचर्स में क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो 60% लोगों ने कहा कि पोर्ट्रेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ 36% लोगों ने कहा कि जूमिंग कैपेसिटी काफ़ी बेस्ट लगता है। बाकी के 4% लोगों ने कहा मैक्रो एंड डेप्थ। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या अच्छा लगता है अपने फ़ोन के कैमरे में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं ओला S1X की। ऐसा बताया जा रहा है कि नया प्राइस रिवील हुआ है। 2 kW का जो प्राइस है 69,999 रुपीज़, और उससे ऊपर 3 kW वाला जो है 84,999 रुपीज़। मतलब 70,000 में आपको ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। एक ही गेमिंग का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि मेरा Realme 10 Pro Plus को अपडेट किया, उसके बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले फ़ोन को चार्ज करिए, छोड़ दीजिए आधा घंटा ऐसा चार्ज करिए, ऑन करिए। अगर नहीं होता है तो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखिए, फास्ट मोड में जाएगा। वहाँ पर आप करके क्या करिए उसको रिकवरी कर लीजिए, आपका ऑन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगली अपडेट आ रही है पोको F6 प्रो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि FCC सर्टिफिकेशन में ये लिस्ट हुआ है, और ये जो फ़ोन होगा चाइना में रेडमी का K70 जो फ़ोन लॉन्च हुआ है वही फ़ोन रीब्रांड होकर इंडिया में आएगा। 4880 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिल रही है। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है पोको F6 और F6 प्रो दोनों डिफरेंट फ़ोन होगा, या फिर चाइना में जो लॉन्च हुआ अभी रेडमी का नोट 13 टर्बो वगैरह जो है, या टर्बो 13 वगैरह जो है लॉन्च हुआ है वो होगा, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का पी सीरीज का फ़ोन लॉन्च हो गया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रियलमी P1 की। तो ऐसा बताया जाता है कि इसमें देखने को मिलने वाला है डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ, 50+2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जिंग। प्राइस निकल के आई है इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14,999 628 का, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, प्राइस बाद में बढ़ जाएगा। अभी फर्स्ट सेल में आपको 14,999 मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रो सीरीज़ की। तो प्रो मिलता है आपको 6th Gen 1 वाला प्रोसेसर। यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है कर्व डिस्प्ले 120Hz के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। कैमरा जो है इसका 50+8 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 45W का फास्ट चार्जिंग। इसकी प्राइस जो निकल के आई है लगभग यहाँ पर 21,000, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस में 19,999 में ये मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इनका पैड 2 भी लॉन्च हुआ है, और इनका TWS T110 भी लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है 1299 रुपये, और इनका पैड जो है 15,999 रुपये। इस तरह के प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। इसका डिटेल वीडियो हम करेंगे और सारी चीज़ बताएंगे क्या है नहीं है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करके रखें। अगली अपडेट आ रही है Realme GT New 6 की तरफ से। NBTC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, लेकिन साथ ही साथ Realme का एक और फ़ोन आ रहा है, Realme का Narzo 70। इसकी टीजर आई है और लीक्स एंड रूमर्स के ये हिसाब से पता चल रहा है 7050 के साथ इसमें भी प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये IPS पैनल के साथ आएगा या फिर इसकी प्राइस कितनी होगी आप बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का C55 के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है Geekbench पर लिस्ट हुआ है 7th Gen 1 के साथ। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो हम आपको सारी डिटेल देंगे। अगली अपडेट आ रही है वीवो का V30e। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 5000 mAh के बैटरी इसमें देखने को मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ सोनी का MX882 का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, और 17 को ये लॉन्च हो जाएगा। मे बी इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। वहीं अगली अपडेट आ रही है वीवो का T3X। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है T3X,
ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, 17 को ये भी लॉन्च होगा। और ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन होगा 6000 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। अगली अपडेट आ रही है आइको का Z9 टर्बो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी टीजर पेज आई है जिसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 6000 mAh की बैटरी होगी, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है गूगल का पिक्सल 9 सीरीज की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो मॉडम यूज किया जाएगा वो सैमसंग का मॉडम यूज किया जाएगा, जिससे नेटवर्क और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। अब ये टेंजर G3 चिप्स के साथ आएगा या किसी और के साथ आएगा, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर। अगली अपडेट और लास्ट अपडेट, नथिंग फोन 2A में नया अपडेट आया है जिसमें कैमरा को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। अब ये लोग सिर्फ कैमरा को इंप्रूव करते करते मार्च तक दिखा देंगे। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों टेक न्यूज़ ज़्यादा नहीं था, शॉर्ट था, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। कल मॉर्निंग से अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।